जहां समस्त भारत में कोविड-19 के चलते हाहाकार मचा है, वहीं जनपद गाजियाबाद के ग्राम नाहल में संचालित सिंडिकेट बैंक ऑफ कैनरा बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस एवं सरकार के दिशा निर्देशों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। बैंक अधिकारी संदीप कुमार अपनी मनमर्जी एवं मुठमर्दी से बैंक के ग्राहकों का लगातार उत्पीड़न कर रहा है। शाखा के अंदर ना तो मास्क का प्रयोग हो रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। बैंक के स्टाफ द्वारा नियमों को ताक पर रखकर खुल्लम खुल्ला आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उनके ऐसे कृत्य से ग्रामवासियों को कोरोना महामारी फैलने का डर है और अंदेशा लगातार बढ़ रहा है। शाखा पर तैनात गार्ड भी ग्राहकों के साथ अधिक दुर्व्यवहार करता है और अपनी मनमर्जी से अधिकतर समय बैंक के गेट पर अंदर से ताला लगाकर एयर कंडीशनर के केबिन में बैठा रहता है। रिश्वतखोरी के लिए बैंक कर्मचारियों ने कई प्राइवेट दलाल रखे हुए हैं। ग्राहकों से काम के एवज में रिश्वत उन्हीं के माध्यम से ली जाती है जो हर समय बैंक में मौजूद रहते हैं। वर्किंग टाइम में भी अधिकतर समय बैंक बंद रहता है, जिससे ग्राहकों एवं ग्रामवासियों को बड़ी परेशानी हो रही है और ग्रामीणों में आक्रोश है। KT Live News के लिए देखते रहिए हसन खान की रिपोर्ट।